मुझे लग रहा है सनराइजर्स हैदराबाद का नाम बदल के ना सरप्राइजर्स हैदराबाद रख देना चाहिए। पिछले 2-3 मैचों से किस तरह से खेल रहे हैं ये लोग, और इससे मुझे लगता है कि ये लोग अंडर प्रेशर आ गए बहुत बुरी तरह से। अब जैसे जैसे बिजनेस एंड की तरफ पहुंच रहा है ना टूर्नामेंट, अब इन लोगों के ऊपर क्वालिफायर का वो टेंशन आ रहा है कि क्वालिफाई करना है, और अब ये मारामारी बहुत ज्यादा हो गई है, और अब इतने मैच में से इतने जीतने हैं, इतनी रन रेट बनानी है। आप देखिए कि जितने ज्यादा रन इन लोगों ने बनवाए हैं ना, इनके इसके हिसाब से तो इनकी रन रेट इतनी हाई होनी चाहिए थी, नेट रन रेट, लेकिन इन लोगों ने खाए भी उतना ही ज्यादा है। और ऊपर से ये बात बिल्कुल एक्सपोज हो गई है अब बहुत अच्छी तरह से कि जब तक इनके ओपनर्स नहीं चलेंगे ना, तब तक इनका कुछ हो नहीं सकता है। इन लोगों ने जितने मैचेस में भी रन बनाए हैं, सब में इनके ओपनर्स अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने रन बनाए हैं। अब पिछले कुछ मैचेस से अभिषेक शर्मा हो गया है फेल, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद का क्या हो रहा है, और अब सारी इनकी पोल खुल रही है। तो ये जैसा कि आप लोगों को अगर याद होगा, मैंने आईपीएल की प्री एनालिसिस जो की थी ना, उसमें मैंने यही कहा था कि इनकी टीम इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा अच्छी है, मतलब बॉलिंग के मामले में तो मेरे ख्याल से पूरे आईपीएल की सारी टीमों में ला ली जाए ना, तो इनसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग किसी की नहीं है। इतना वेरी डेट है किसी के पास नहीं है, और इतने सीजनड एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स किसी के भी पास नहीं है। हर टीम में कुछ ना कुछ नए बॉलर्स हैं, वो बात अलग है कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, लेकिन इनके पास तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स हैं, और काफी टाइम से इनके साथ खेलते चले आ रहे हैं। उसके बावजूद आप देखिए अभी क्या हालत हो रही है कि अब इनको मुसीबत हो रही है। पिछले 2-3 मैचेस ये लगातार हार गए, और वो बैटिंग बुरी तरह से फेल हो गई है। ये एक्सपोज तो बहुत बुरी तरह से तभी हो चुके हैं, उस फ्रंट पे हो चुके हैं कि ये सेकंड बैटिंग तो इनसे होती नहीं है, और पहले बैटिंग करने में भी अब ये गड़बड़ करने लगे हैं क्योंकि इनके ओपनर्स नहीं चल रहे। वो चलता है एक ट्रेविस हेड है, और किसी में तो ये दोनों ही आउट हो गए, तो ये इन लोगों की बिल्कुल पोल पट्टी सामने आ गई है। और आज टॉस का तो हमने कल ही डिस्कस किया था कि टॉस का तो कोई मतलब ही नहीं है। मुंबई ने टॉस जीत लिया, उनको बॉलिंग करनी थी, इनको बैटिंग ही करनी थी, तो वो टाइम बचा सकते थे ये लोग, लेकिन ठीक है चलिए, वो तो टॉस की फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। शुरुआत जो हुई तो शुरुआत में हार्दिक पांड्या ने आज फिर अपना रंग दिखाया, मतलब आज उसने पूरे मैच में कप्तानी अच्छी की। पूरे मैच में तो खैर उसको कप्तानी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ अपनी फील्डिंग के दौरान जो उसने कप्तानी की है वो ठीक ठाक ही की, लेकिन सबसे बड़ी गलती फिर वही ले दे के, भैया बुमराह से तुम चौथा ओवर क्यों करवाते हो यार, मुझे समझ में नहीं आता। आज भी देखिए बुमराह से इसने कौन सा ओवर फेंकवाया है, बुमराह ने चौथा ओवर पहला फेंका है जबकि उनके 32 रन बन चुके थे, 28 रन बन चुके थे 3 ओवर में, चौथा ओवर क्यों फेंकवाया भैया। और उसके बाद आपने देखा किस तरह से ओवर फेंका उसने, जहां 3 ओवर में ओपनर्स ने 28 रन बना दिए थे, मतलब 9 की रेट से वो लोग पीट रहे थे, बुमराह ने आके 4 रन का ओवर फेंका है। यार मुझे समझ में नहीं आता, ये बेसिक कॉमन सेंस की चीज है। इतना क्रिकेट खेलने के बाद, इतना सब कुछ, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, और फिर मैं ले दे के वहीं आ जाता हूं जो कि वो बाहर 5-5 मोटी दुकानें बैठी हुई हैं तुम्हारे कंसल्टेंट्स के रूप में, और तुम क्या कर रहे हो, तुम नहीं बताते हो ये कि हार्दिक, ये तो मुझे लगता है कि ये सबकी मतलब मिली जुली इनकी वो होती है ना फरमाइश कि बुमराह से पहले नहीं करवाना है। कौन सा आदमी दुनिया में ये कहेगा कि बुमराह जैसा बॉलर होते हुए आपके पास आप उससे पहला ओवर नहीं करवाओ। अरे यार कॉमन सेंस की चीज है कि भैया सामने बैट्समैन आया है, बैट्समैन ने एक बॉल भी नहीं खेली है, उसके आउट होने का चांस कब है। अगर जो चौथे ओवर में जो 2 स्विंगिंग यॉर्कर्स उसने फेंकी हैं बुमराह ने, अगर वो पहले ओवर में फेंकता तब बैट्समैन के आउट होने के चांसेस ज्यादा हैं या चौथे ओवर में। वो दोनों बल्लेबाजों ने वो स्विंगिंग यॉर्कर्स खेल ली ना, हालांकि उसमें भी काफी तकलीफ हुई उन लोगों को, लेकिन वो अगर पहले ओवर में फेंकी जाती तो उनके आउट होने के चांसेस ज्यादा थे ना। ये क्या कर रहा है यार हार्दिक पांड्या, मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी प्लानिंग। और इसमें तो मैं बिल्कुल सीधे सीधे ब्लेम करूंगा कि बॉलिंग कोच, और बॉलिंग कोच की जरूरत ही क्या है यार, हम लोग कौन सी कोच है। लेकिन हम लोगों को समझ में आती ना ये बात, आज पूरी दुनिया में जितने भी लोग ये आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं तो वो तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं ना, लेकिन उसमें से 99% लोग ये बात कहेंगे कि भैया आप बुमराह से ऊपर क्यों नहीं पहला करवाते हो, लेकिन नहीं किसी भी मैच में नहीं करवाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि भैया रोहित शर्मा कैप्टन है इंडियन टीम का, और भगवान उसकी सेहत बनाए रखे, क्योंकि ये फिर नहीं तो ये बेवकूफ आ जाएगा टपोरी हार्दिक पांड्या कप्तान बन के, और ये फिर बुमराह को बोलेगा कि अब तू चौथा ओवर फेंकना वर्ल्ड कप में,
ये मरवा देगा टीम को। लेकिन चलिए उसके बाद तो खैर बॉल इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी शुरू में कि फिर इनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। वो काम्बोज वो लड़का जो है नया, उसकी बॉल पे देखिए आप कि क्या कैच मतलब छूटा है उसका, और कैच भी छूटा उसका और वो तो बोल्ड हो गया था लेकिन नो बॉल निकली वो। अब ये देखिए इसके बाद भी इन लोगों को सबक नहीं मिलेगा तो कोई क्या कर सकता है यार। नो बॉल तुम कैसे फेंक सकते हो, और एक नहीं दो दो नो बॉल फेंकी यार। और ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन को आपने बोल्ड कर दिया नो बॉल पे, तो फिर क्या फायदा हुआ आपका नो बॉल, मतलब कैसे यार कोई नो बॉल कर सकता है। मैं तो कभी नहीं समझ पाया ये बात। एक एक इंच तुम मेजरमेंट करके अपना रन अप लेते हो पूरी, मतलब तुम्हारी तो रोजी रोटी ये है यार, जो बॉलर है उनकी रोजी रोटी ये है यार कि आपको बॉल फेंकना है, आपको आपका रन अप सेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप गिन के आते हो कितने कदम से कितने, और बिल्कुल मेजरिंग टेप से आप मेजर करके आते हो, उसके बावजूद आप नो बॉल फेंकते हो। कितना बड़ा नुकसान हुआ इससे, और ये नुकसान हम तो देख चुके हैं ना कि वर्ल्ड कप में और चैंपियंस ट्रॉफी में हमको कितने बड़े बड़े नुकसान हुए नो बॉल फेंकने से। खैर उसके बाद तो मतलब इन लोगों ने अकलमंदी ये की हार्दिक पांड्या ने कि खुद नहीं आया शुरू में बॉलिंग करने, नहीं तो और भी रहा सा प्रेशर जो था वो भी खत्म हो जाता। इन लोगों के 6 ओवर में 56 रन ही बन पाए, जो नॉर्मली ये लोग अच्छे खासे 70-80-75 पीट देते हैं वो नहीं कर पाए आज, क्योंकि बुमराह ने 2 ओवर फेंके। और देखिए जो 56 रन बने हैं शुरू के 6 ओवर में एसआरएच के, उसमें से बुमराह ने 2 ओवर फेंके, उसमें 9 ही रन दिए हैं, मतलब बाकी 4 ओवर में 47 रन पड़े, 47 रन सिर्फ रेस्ट ऑफ द 4 ओवर्स। आज नुवान तुषारा की पिटाई हो गई, नुवान तुषारा नहीं कर पाया। काम्बोज की भी शुरू मतलब पहले ओवर में 14 रन गए उसके, फिर उसके बाद बॉलिंग उसने अच्छी की लेकिन उसकी पिटाई हो गई। अब वो तो बैट्समैन भी तो ये ध्यान रखते हैं ना कि नया बॉलर कौन है उसको हम प्रेशराइज कर सकते हैं, और वो बुमराह के सामने चांस नहीं लेते हैं। सीधी सी बात है, ये तो पूरे दुनिया में ये बिल्कुल तय है कि कोई भी बैट्समैन हो कुछ भी हो बुमराह के सामने चांस नहीं लेंगे, वो बुमराह को सीधे सीधे खेल लेंगे और बाकी के ऊपर अटैक करेंगे। उसकी वजह से बाकी बॉलर्स को विकेट भी मिलते हैं, कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो सामने से फिर विकेट मिलते हैं। तो उसके बाद ये लोग खेलते चले गए और 10 ओवर में इनके 88 रन पे 2 विकेट थे, और उसके मतलब इन लोगों ने मारने नहीं दिया, किसी भी बॉलर ने इनको मारने नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या ने मतलब देखिए जो बात सही है तो सही है, और इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या ने कोई बेईमानी की कि वो 7वें ओवर में क्यों बॉलिंग करने आया। देखिए अगर वो इंडिया की तरफ से बॉलिंग करने आएगा तो मैं ये बात तो तय है, सभी जानते हैं कि हार्दिक पांड्या इज एन ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर आजकल जो ऑलराउंडर्स हुआ करते हैं वो वैसे नहीं होते जो पुराने जमाने में होते थे। मतलब पुराने जमाने के ऑलराउंडर्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने तो उस जमाने में ऑलराउंडर्स को देखा है जहां पे कि 4 वर्ल्ड के टॉप क्लास ऑलराउंडर्स अपने 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 टीमों से साइमल्टेनियसली खेल रहे थे। इंग्लैंड का इयान बॉथम, भारत के कपिल देव, न्यूजीलैंड के रिचर्ड हेडली और पाकिस्तान का इमरान खान। तो ये चारों ऑलराउंडर्स इस तरह के ऑलराउंडर्स थे कि मतलब वो रियल मायने में ऑलराउंडर्स थे। ऑलराउंडर्स का मतलब क्या होता है कि जब वो बैटिंग करने आए तो उसको प्योर बैट्समैन लगना चाहिए, और जब वो बॉलिंग करने आए तो वो प्योर बॉलर लगना चाहिए। और ये चारों ऑलराउंडर्स इसी तरह के थे कि जब वो बैटिंग करने आते थे तो कोई कह नहीं सकता था कि इनकी बैटिंग में कुछ कमी है, और बॉलिंग में तो वो चारों के चारों मास्टर थे। इसमें कोई मतलब आज भी वो वर्ल्ड रैंकिंग में उनके नाम है सभी के। तो और कपिल देव तो खैर क्या कहना कपिल देव का। तो इस तरह के ऑलराउंडर्स अब नहीं होते हैं क्योंकि अब क्रिकेट बहुत ज्यादा होने लगी है और ये लोग इन लोगों को फिटनेस का प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से हार्दिक पांड्या से मुझे उस तरह की बॉलिंग की तो उम्मीद नहीं है कि किसी टीम के वो 6 विकेट ले ले कभी। लेकिन अभी चूंकि हमें पता है कि उसके लिमिटेशन क्या है ये उसको भी मालूम होना जरूरी है, और आज उसने बहुत अच्छा काम किया कि वो 7वें ओवर में आया, पावर प्ले में नहीं आया, क्योंकि वहां पे प्रेशर रिलीज हो सकता है। हार्दिक पांड्या उस तरह का बॉलर है कि या तो जब सामने वाली टीम अंडर प्रेशर हो तब ये बॉलिंग करने आए तो अपने 2-3-4 ओवर निकाल के और ये टीम को फायदा पहुंचा सकता है, या फिर ये है कि टीम सामने वाली बहुत चढ़ के खेल रही हो और आपको फिर कुछ वेरिएशन चाहिए हो बॉलिंग में। तो ऐसे में भी चेंज ऑफ पेस या चेंज ऑफ डायरेक्शन जो होता है या चेंज ऑफ डिफरेंट बॉलर एक तरह से जब इंट्रोड्यूस होता है ना तब ऑलराउंडर का काम आता है आजकल।
और उसमें हार्दिक पांड्या के लिए मुझे बहुत खुशी है कि वो पिछले दो तीन मैचेस से उसको विकेट मिल रहे हैं, वो बॉलिंग अच्छी कर रहा है। मतलब ठीक है वो, मतलब एवरेज इकोनॉमी तो उसकी ज्यादा रहती है, लेकिन वो भी मुझे एक्सेप्टेबल है प्रोवाइडेड कि उसको विकेट मिले और वो ढंग से करे। आज तो उसने जिस तरह से उसको आउट किया है, आप ये देखिए, उसने शाहबाज और जेनसन दोनों को आउट किया, और मार्को जेनसन को जो आउट किया है ना उसने, वो तो मुझे बिल्कुल एशिया कप में जिस तरह से उसने वो गोबर आजम को आउट किया था ना, बिल्कुल वही याद आ गया मुझे। उस तरह की बॉल उसकी पड़ के अंदर आई और बोल्ड हो गया वो, मुझे बिल्कुल वही याद आ गया जो वो भिखारी को आउट किया था उसने, मुझे अभी भी याद है वो, क्या बढ़िया सीन था वो, शानदार। तो मुझे खुशी है कि हार्दिक पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की और मैं चाहता हूं कि बॉलिंग अच्छी करे, और मुझे लगता है कि जैसा हम लोग सोच रहे थे कि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप में आते आते ठीक हो जाएगा और वर्ल्ड कप में इसकी अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब तो देखिए, अब हमें उसे क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा है नहीं, वो टीम में तो है, तो अब बस हमें यही प्रे करना चाहिए कि वो परफॉर्म भी अच्छा करे। और ठीक है, इंडियन टीम में रहेगा तो वो हरकतें भी ज्यादा कर नहीं पाएगा, हालांकि मुझे उसकी बहुत, वो हेयर स्टाइल से इसकी और वो क्रुणाल पांड्या, ये दोनों इतने बड़े बड़े भालू की तरह बाल बढ़ा के आए हैं यार, ये बाल ही संभालता रहता है, हर बॉल के बाद आप देखो ये बाल संभालने में लगा रहता है। अरे यार, इससे सबसे माइंड डाइवर्ट होता है भैया, तू मिलिट्री कट कटवा रहे बाल, और मतलब हर बॉल के बाद इसको बाल संभालने पड़ते हैं अपने। अब ऐसे में पलट के कभी कैच आ जाएगा तो क्या होगा, तू तो बाल ही संभालता रह जाएगा अपने यार, ये बहुत गड़बड़ है यार इसका क्या। एक तो कोई इनको बताता नहीं है यार, इनके घरवाले नहीं बताते कि तुम भैया अच्छे नहीं लग रहे हो इस सब हेयर स्टाइल में, और दूसरी बात, कोई पढ़ा लिखा आदमी इनको बताए या इनके कोचेस बताए कि यार इससे तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है यार इन सब चीजों से, ये सब फैंसी फैशन तुम ग्राउंड के ऊपर करने लगते हो, ये दिस शोज दैट यू आर लैकिंग इन कॉन्सेंट्रेशन, यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन टू योर गेम, ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए यार, ये क्या करते हैं ये लोग। इस चीज से मुझे बड़ी चिढ़ है, क्योंकि ये शो करता है कि आप सीरियस नहीं हो, और यहां पे भैया ये पूरे देश की इज्जत का सवाल है, तुम वहां देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, वहां तुम ये फैशन परेड में थोड़ी जा रहे हो यार, तुम जाओ किसी फैशन परेड में हिस्सा लो, तुम चाहे बिना कपड़ों के जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है यार, कुछ भी करो तुम, लेकिन भैया यहां देश का सवाल है यार, तो टीम हार जाएगी तुम्हारे चक्कर में। वही जैसे ईशांत शर्मा ने बड़े बालों के चक्कर में हरवाया था न्यूजीलैंड से मैच, खाए थे 300 रन, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूं कि भैया तू जरा कॉन्सेंट्रेट कर गेम के ऊपर, और वैसे ही इसको कोई कम परेशानियां नहीं है। देखिए, इसको ये समझना चाहिए हार्दिक पांड्या को कि ये सब, अब मुझे पता नहीं इसके सलाहकार कौन है यार, इसको कोई समझाता क्यों नहीं है कि तेरे को जो दुनिया गाली दे रही है, जो अब जो तूने किया सो किया, अब वो दैट कैन नॉट बी अंडर जो तुम कर चुके हो, लेकिन आप कम से कम डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम परफॉर्म करो और ये बदतमीजी की हरकतें करना बंद करो। कोई इसको कहता नहीं है कि यार तू जो हरकतें करता है ये बुरी लगती है, तो ये हरकत मत कर, पॉलिटिक्स मत कर, चुपचाप अपने गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर। अगर हार्दिक पांड्या मैच में 2 विकेट लेगा और 30-40 रन बनाएगा तो कोई दुनिया क्या बोल सकती है यार। देखिए, क्रिकेटर या स्पोर्ट्समैन, इन लोगों का सिर्फ काम यह है कि आपको परफॉर्म करना है। आप परफॉर्म करते रहोगे तो आपकी सारे नखरे सहन कर लिए जाएंगे, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है और ऊपर से आप ये सब ये ग्लैमर और फैशन कर रहे हो ग्राउंड के ऊपर और पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो जनता इतनी पागल नहीं है, उसको सब समझ में आता है कि आप कौन सा ओवर कब फेंकने आए आप, और उसके पीछे आपका क्या इंटेंशन था, और आप क्या कन्वीनियंस देख रहे थे, या टीम को वाकई जरूरत थी आपकी उस टाइम, या फिर टीम को आपकी जरूरत थी और उस टाइम आपने वो काम किया जो कि चाहिए था। ये जनता को सब समझ में आता है, और जनता को नहीं समझ में आता है तो हमारे जैसे लोग बैठे हैं ना समझाने के लिए। हो सकता है कई लोगों से मिस हो जाती हो बातें, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 80% लोगों को तो समझ में आता है कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज हम जब ये हार्दिक पांड्या को क्रिटिसाइज करते हैं या कोई भी दुनिया क्रिटिसाइज कर रही है तो लोग बाग एग्री करते हैं ना, और वो तो लोगों की बातों से और दुनिया भर की ये जो ट्विटर पे चलता रहता है ये, तो ये क्या है, मतलब लोग समझते हैं ना कि ये गलत काम करता है, तो अब इसमें कोई इसके अगेंस्ट थोड़ी पॉलिटिक्स हो रही है, इसकी हरकतें और लैक ऑफ परफॉर्मेंस, इसी की वजह से इसको सारा ये सब सुनना पड़ रहा है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है, इसको समझना चाहिए कि भैया परफॉर्म करना शुरू कर, और परफॉर्म करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर,
और कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ही कर, पॉलिटिक्स मत कर। तो वो शब्दों के जो जाल ये बिछाया करता है ना, एक चीज मैं मानता हूं, ये किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या नहीं हो, ये अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलता है। ये मुझे ताज्जुब होता है, मतलब आप इसको देखें तो कोई भी इसको देख के ये कहेगा कि ये तो यार अंग्रेजी मीडियम में पढ़ के आया होगा, जिस तरह की अंग्रेजी ये बोलता है। लेकिन हमने तो सुना है कि बैकग्राउंड तो इसका बिल्कुल कोई बहुत अच्छा नहीं था, ये जहां पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था, तो और मतलब हमने तो ये भी सुना है कि घर में कोई इसके बहुत ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज भी नहीं थी। तो उसके बाद मुझे लगता है कि ये बोल बाल तो ठीक लेता है और इसी वजह से ये वाइस कैप्टन बना हुआ है। ये तो सच्चाई है कि भाई देखिए, इंडिया की टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन कभी भी वो प्लेयर्स नहीं बन पाए जो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। अब इसमें हम कुछ भी कह लें और हम देशभक्त बन जाएं ये कहने के लिए कि नहीं नहीं हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये है वो है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो अंग्रेजी नहीं बोलता है वो इंडियन टीम का कैप्टन नहीं बन पाता है। तो इसीलिए मैंने ये बात कई बार कही है कि मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ये लोग कितना ही खेल लें लेकिन ये अंग्रेजी नहीं बोल पाते ना, ये कभी कप्तान नहीं बन सकते। ये ऐसा ही जडेजा से भी अंग्रेजी बोलते नहीं बनती है, ये भी कभी नहीं बनेगा कप्तान। तो ऐसे ही है, वो गुजरात लायंस बीच में जब बनी थी 2017 में, जब वो सीएसके बैन हुई थी तब भी गुजरात लायंस में गया था, और जहां फिर वो अल्टीमेटली सुरेश रैना को बनाया था, तो वहां पे भी ये झगड़ा कर रहा था। अगर आप लोगों को याद हो, वो झगड़ा कर रहा था कि मैं क्यों नहीं कप्तान बन सकता, तो तू इसीलिए नहीं बन सकता भैया जड्डू, इधर वो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, वो गुजराती स्टाइल में अंग्रेजी नहीं जमती है, वहां अंग्रेजी की स्टाइल में बोलनी पड़ती है। मुझे गुजराती से बहुत प्रेम है लेकिन भैया अंग्रेजी तो अंग्रेजी की तरह बोलो यार। तो वो चीजें हैं कुछ ऐसी जो फैक्ट है और ये देखी जाती है वहां। अब देश को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर आपको थोड़ा सा वो चाहिए ना, कुछ तो पॉलिश्ड होना चाहिए आदमी, वो चीजें देखी जाती है। तो चलिए कमिंग बैक टू द मैच, फिर तो इन लोगों की हालत बड़ी खराब हुई, इन लोगों ने बहुत गंदी तरीके से बैटिंग की, इन लोगों ने अप्लाई नहीं किया। एक तो क्लासिन कुछ तो भी बेवकूफी का शॉट मार के आउट हो गया यार, क्लासिन को मैंने कभी ऐसे आउट होते हुए नहीं देखा है। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अब इन लोगों के ऊपर परफॉर्म करने का प्रेशर आ गया है, क्योंकि अब क्लासिन को मालूम था आज कि मुझे आज रन बनाने, पर पीयूष चावला की बॉल पे क्या शॉट मारा है यार, विकेट की बॉल पे तूने चैन ही नहीं लिया यार, दो रन बनाए और उसमें छक्का मारने चल दिया। एक तो पहले ही शॉट ऐसा मारा जैसे कि छक्का मार रहा, वही बच गया उसी में आउट होते होते, उसके बाद अगली बॉल पे तो आउट ही बोल्ड ही हो गया। तो ये अच्छा है वैसे, ये ट्रेविस हेड और ये क्लासेन, इस तरह के टुल्ले जो है ना, इनकी आईपीएल की सारी रिकॉर्डिंग्स इकट्ठी करके और ये वर्ल्ड कप के पहले पूरा वॉच करना चाहिए और सारे बॉलर्स को फिर बता देना चाहिए कि इन लोगों की क्या क्या गलतियां हैं। हालांकि मुझे अभी भी शिकायत है ये बॉलर से, ये ट्रेविस हेड को बाउंसर क्यों नहीं फेंकते हैं, बाउंसर इज अ वीकनेस ऑफ ट्रेविस हेड, ये बात तो हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टाइम से बोल रहे हैं, लेकिन वहां पे भी इन लोगों ने 160 रन खाने के बाद इसको बाउंसर डाला था। ये पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं यार, समझ में नहीं आता मुझे, ये करना चाहिए इनको। अब 173 रन पे हो गए, उसके बाद मुंबई की जब बैटिंग शुरू हुई, अच्छा उसमें पहले हम ये देखें कि इन लोगों ने किया क्या। तो यहां पे इन लोगों ने देखिए, ट्रेविस हेड ने बनाए 30 बॉल में 48 रन, 7 चौके, 1 छक्का। अभिषेक शर्मा हो गया, अभिषेक शर्मा का बंटाधार हो चुका है, 16 बॉल में 11 रन बनाए, एक छक्का भले ही मारा। अब आज युवराज सिंह पता नहीं क्या करेगा, पहले तो कह रहा था, एक बार कहा था ना युवराज सिंह ने, मैं तेरे को जूतों से पीटूंगा, पता नहीं पिछले 2-3 मैचों से काय से पीट रहा है, क्या कर रहा है। मयंक अग्रवाल को पता नहीं कहां से ले आए यार, ये मयंक अग्रवाल को क्यों लेके आए होंगे यार, हमारे हिमांशु पाल तो बहुत नाराज होंगे, मयंक अग्रवाल को फिर से लेके आ गए ये। अब ये कल ये ऐसा नहीं हो कि एडन मार्करम को भी वापस ले आए, ये दोनों फेल हो चुके हैं बहुत बुरी तरह से। भैया क्यों लेके आए हो यार इसको, मैं समझ में ही नहीं आया मुझे तो यार, इसके बजाय तो एक बॉलर ले लेते। क्या किया इसने, 6 बॉल में 5 रन बनाए बस, उसके अलावा एक कैच पकड़ा, बाकी तो यार क्या मयंक अग्रवाल का हो गया कबाड़ा बिल्कुल ही। आज नीतीश कुमार रेड्डी भी नहीं चल पाया, 15 बॉल में 20 जरूर रन बनाए, हार्दिक पांड्या की बॉल पे बहुत गलत शॉट मारा उसने, समझना चाहिए भैया बॉल सीम हो रही है यार। तो वो फिर हार्दिक पांड्या में इतना तो एक्सपीरियंस है यार कि वो तुमको ऐसे नहीं मारने देगा, और खासतौर पर विकेट से जब हेल्प मिल रही है। क्लासेन 4 बॉल में 2 रन, मार्को येंसन 12 बॉल में 17, शाहबाज अहमद 12 बॉल में 10, अब्दुल समद कुछ नहीं कर पाया आज, अब्दुल समद को रन बनाने चाहिए थे आज, वो तो पैट कमिंस ने 17 बॉल में 35 रन नहीं बनाए होते तो ये लोग तो 140 में ऑल आउट हो गए होते। लेकिन इन लोगों ने फिर आज वही एक गलती की,
जो एक पिछले मैच में भी किसी टीम ने की थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा किस टीम ने की थी वो गलती, जब हमने डिस्कस किया था कि भैया ये आपकी चॉइस गलत है सब्स्टिट्यूट की, आज ये सनवीर सिंह को लेके आए 17वें 18वें ओवर में। क्यों भैया, सनवीर सिंह को किस लिए लेके आए आप? आपको कितने रन बनवाने थे? बाद में पैट कमिंस कह भी रहा है नहीं, सनवीर सिंह को मैं सही लाया क्योंकि वो 40-20-25 रन का डिफरेंस पड़ गया। अरे यार, उसकी जगह किसी बॉलर को ले लेते, आज जब विकेट में हेल्प थी तो तुमको मालूम है कि विकेट में हेल्प है तो तुमको बॉलर चाहिए होगा ना, तो तुमने ये क्या किया है सनवीर, और उससे बॉलिंग भी नहीं करवाई, वो है ऑलराउंडर कहने को, तुमने बॉलिंग भी नहीं दी उसको, तो अगर बॉलिंग ही दे देते तो कुछ फायदा हो जाता, और उसके बजाय तुम एक प्योर जयदेव उनादकट को लाना चाहिए था ना यार। जयदेव उनादकट भी, ये सनवीर सिंह ने जो 7 बॉल में 8 रन बनाए, जयदेव उनादकट 7 बॉल खेलता तो वो मेरे ख्याल से 12 रन बना देता, वो छक्के वक्के मार लेता है। एक मैच इनको जिताया भी उसने, लास्ट बॉल पे छक्का मार के उसी छक्के से जीते थे ये लोग, लेकिन आज इसको बुला लिया। ये पैट कमिंस ने गड़बड़ कैसे कर दी? अच्छा है, ये करने दो इसको गड़बड़, इसको सिखाओ भी मत कि तूने गड़बड़ की है, बोलो तूने बहुत सही काम किया है। पहला विकेट इनका गिरा 56 रन पे 6वें ओवर में, दूसरा मयंक अग्रवाल आउट हुआ 8वें ओवर में 68 पे, ट्रेविस हेड 11वें ओवर में आउट हुआ 90 रन के स्कोर पे, और नीतीश रेड्डी 92 पे आउट हो गया वही 12वें ओवर में, 96 पे हेनरिक क्लासेन आउट हुआ 13वें ओवर में, 13वें ओवर की पहली बॉल पे ही आउट हो गया नालायक, और फिर शाहबाज अहमद 16वें ओवर की पहली बॉल पे आउट हुआ, 124 पे आउट हुआ मार्को येंसन 16वें ओवर में, और 8वें ओवर में अब्दुल समद आउट हुआ, सॉरी 8वां विकेट अब्दुल समद का गिरा 17वें ओवर में, और कुल मिला के इन लोगों ने 173 बनाए। बाद में नुवान तुषारा को कोई विकेट नहीं मिले, अंशुल काम्बोज को 4 ओवर में 42 रन पड़े, उसने 1 विकेट लिया, हालांकि उसको 2 मिल सकते थे, बॉलिंग नो बॉल को छोड़ के बाकी उसने ठीक ठाक की है, पिटाई तो देखिए T20 में हो जाती है, और वो भी पहले मैच के हिसाब से तो ये कम ही पिटा है। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर 23 रन, गजब की बॉलिंग की, हमेशा ही करता है। हार्दिक पांड्या 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, पीयूष चावला पुराने चावल 4 ओवर 33 रन 3 विकेट, इसने बहुत अच्छी बॉलिंग की आज बढ़िया बॉलिंग की इसने, इसको लेकिन भी 8-10 किलो वजन अपना कम कर लेना चाहिए, तो 1-2 सीजन और खेल सकता है, ये बहुत ज्यादा मोटा लगता है देखने में। उसके बाद जब मुंबई की बैटिंग शुरू हुई तब देखा हमने, हमें लगा क्या स्विंग और सीम हो रही थी, गजब की सीम हो रही थी, मजा ही आ गया। हालांकि पहला ओवर जो है वो भुवी की अच्छे खासी पिटाई हो गई, 13 रन पीट दिए ईशान किशन ने, लेकिन बॉल तो स्विंग हो रही थी, कुछ इसने गलत बॉल फेंक दी भुवनेश्वर ने, लेकिन ईशान किशन फिर भी 7 बॉल में 9 रन बना के आउट हो गया। ईशान किशन भी बहुत बुरी तरह से फेल हुआ है। रोहित शर्मा ने क्या गंदा शॉट मारा, और लोग वहां गालियां दे रहे हैं कि रोहित शर्मा क्या करेगा, वर्ल्ड कप में कबाड़ा करेगा, लेकिन आप लोग देखना वर्ल्ड कप में इसके नाम से बॉलर्स रोएंगे, रोहित शर्मा के नाम से, ये मुझे पूरा भरोसा, आई एम 95% कॉन्फिडेंट कि रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में खूब पीटने वाला है, इसलिए आप लोग चिंता मत करो, अभी जो हो रहा है होने दो, आईपीएल की चिंता मत करो, अभी तो वो शॉट मारने की प्रैक्टिस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नमन धीर 9 बॉल में 0 बनाए इसने, यार ये नमन धीर का क्या है यार। लेकिन फिर तो उसके बाद तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव गजब ही कर दिया यार। तिलक वर्मा ने बहुत सेंसिबल बैटिंग की, क्योंकि उसने बाद में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बोला भी कि बॉल सीम हो रही थी तो मेरे को तो सीधे बल्ले से खेलना था। मतलब देखिए, हमेशा हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं ना कि भैया जब बॉल उल्टी सीधी घूम रही है तो सीधे बल्ले से खेलो, और आज ये यंग लड़के ने, 21 साल के लड़के ने बिल्कुल कितनी सही बात कही कि बॉल सीम हो रही थी, मैं तो सीधे बल्ले से खेल रहा था, लेकिन स्काई भाई तो बिल्कुल ही अलग रंग में थे। ये स्काई का तो है यार कंट्रोल गजब है। मुझे हमेशा याद आता है 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, क्या बैटिंग की थी उसने, और उसमें भी खासतौर पर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो स्काई ने बैटिंग की थी ना, भले इंडिया 130 पे ऑल आउट हो गई थी, लेकिन क्या गजब की बैटिंग की थी उसने, अकेले उसी ने तो बैटिंग की थी और किसी ने तो की नहीं। उसमें कोहली ने अगर जरा सा दिमाग लगा के वो गंदा शॉट नहीं मारा होता और इंडिया ने अगर 10-15 रन और बना दिए होते तो बस हो गया था, काम जीत जाते ये लोग, लेकिन इन लोगों ने बहुत कबाड़ा किया था। और स्काई ने तो वो पूरे वर्ल्ड कप में जहां पूरी दुनिया परेशान थी, किसी के बल्ले से रन नहीं बन रहे थे, वहां स्काई ने क्या रन बनाए थे, 60-65 रन बनाए थे ना साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, इंडिया के टोटल 130-135 के स्कोर में उसके आधे रन थे, और वो भी बिल्कुल चढ़ के बैटिंग करके।
आज उस तरह की बैटिंग की उसने, बहुत ही बढ़िया बैटिंग, मतलब क्या बॉल स्विंग होने दो, क्या सीम होने दो, बस मार पीट के 51 बॉल्स में 102, 200 का स्ट्राइक रेट, 12 चौके और 6 छक्के, गजब है यार स्काई। मतलब मैं तो बार बार, मुझे यही लगता है नजर ना लगे भैया वर्ल्ड कप आने वाला है यार, तुम ही लोगों से उम्मीद है बस। तिलक वर्मा की खेलने से मुझे अच्छा लगता है, तिलक वर्मा सेंसिबल भी बैटिंग करता है, अटैकिंग भी करता है, अच्छा ये लड़का, मुझे लगता है कि विद इन 1 or 2 years हम इसको परमानेंट इंडियन टीम में देखेंगे, कम से कम T20 की टीम में तो देखेंगे, वनडे में आए या नहीं आए वो बात। मुझे लगता है कि ये इंडिया का फ्यूचर ठीक ठाक है, तिलक वर्मा को भी आना चाहिए। फिर देखिए ये इन लोगों के विकेट कब गिरे, पहला गिरा 126 पे, ये पहला गिरा 26 पे, दूसरे ओवर में ईशान किशन आउट हो गया, दूसरा 31 पे, चौथे ओवर में रोहित शर्मा आउट हो गया, नमन धीर लगे हाथ ही आउट हो गया 31 के स्कोर पे, और बस फिर उसके बाद तो इन लोगों ने स्कोर कर दिया। भुवनेश्वर कुमार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 22 रन 1 विकेट, मार्को येंसन 3 ओवर 45 रन। मार्को येंसन का बहुत बढ़िया काम हुआ है, मार्को येंसन, हालांकि उसकी शक्ल देख के थोड़ा तरस भी आता है बेचारे के ऊपर यार, कब तक पिटता रहेगा वो कब, और हर कोई आके पीट रहा है उसको यार, लल्लू पंजू हर कोई पीटता है उसको, कभी कभी यार कैसा लीन पैच निकलता है बॉलर्स का, बैट्समैन का, कोई भी आके मार रहा है पीट रहा है, इसी तरह से बैट्समैन का जब लीन पैच आता है, कोई भी घसियारा टाइप का बॉलर भी आके विकेट ले लेता है आपका, कहीं आप मारते हो वहां फील्डर आ जाता है, कुछ फील्डर के उल्टे सीधे हाथ में चिपक जाती है बॉल, ऐसा कभी कभी होता है प्लेयर्स के साथ तो। लेकिन इसका तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, ये तो वर्ल्ड कप से ही पिटता चला आ रहा है, हालांकि वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो पीटने की शुरुआत की थी ना तब से ही पिट रहा है, उसके पहले तो इसने अच्छी बॉलिंग की थी और रन भी बनाए थे किसी किसी टीम के अगेंस्ट, तो इसमें तो इसको तो मैन ऑफ द मैच भी मिला था वर्ल्ड कप में, मतलब रन भी 50-60 ठोक दिए थे, विकेट भी ले लिए थे 3। लेकिन जो इंडिया ने धोया है ना इसको, उसके बाद से इसके ग्रहण खराब हो गए और ये बस पिटता ही चला जा रहा है तब से, 3 ओवर 45 रन यार, हद्दी हो गई आज तो 4 ओवर। लेकिन फिर भी इसको लिया क्यों यार, इसको क्यों लिया यार, तुम्हारा प्रूवन परफॉर्मर है जयदेव उनादकट यार, उसको ही ले लेते यार। लेकिन नेट कुछ अच्छी बॉलिंग कर रहा होगा नेट्स में, इस वजह से लिया होगा, क्योंकि ऐसे तो आंख मूंद के तो लेते नहीं है कि होटल में सो रहा है कि चल आ जा चल खेलते मैच खेलने चलते, ऐसा तो होगा नहीं, नेट्स में कुछ किया होगा इसने। लेकिन मैच में तो क्या हाल हो रहा है इसका, पैट कमिंस 4 ओवर 35 रन, नटराजन 3 ओवर 31 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 16 रन, शाहबाज अहमद 1 ओवर में 11 रन। अभी नीतीश रेड्डी का भी पहले भी जैसा मैंने डिस्कस किया है, इसको भी 1-2 साल के अंदर ही देखेंगे हम इंडियन T20 टीम में, तो दिखना चाहिए ये भी, बशर्ते ये ग्राउंडेड रहे और जरा प्रैक्टिस करता रहे और थोड़ा गेम इंप्रूव कर ले, बॉलिंग थोड़ी सी इंप्रूव करने की इसको जरूरत है, तो वो बस फिट बना रहे तो ये, बैटिंग तो इसकी ठीक ठाक है, बाकी तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है ये। तो चलिए कुल मिला के सनराइजर्स ने हमको सरप्राइज कर दिया और सनराइजर्स ने अपनी खुद की मुश्किलें बढ़ा ली हैं। अब देखिए क्या होता है टेबल में, क्या हो गया है देखिए, अगर टेबल का देखें हम, टेबल में देखिए कोलकाता नाइट राइडर्स तो है 16 पॉइंट पे 11 मैचेस में, राजस्थान रॉयल्स है 10 मैचों में 16 पॉइंट्स पे, CSK 11 मैचों में 12 पॉइंट्स पे है, और SRH 11 मैचों में 12 पॉइंट्स पे है, लेकिन इनकी नेगेटिव नेट रन रेट है, इनको अभी बहुत काम करने की जरूरत है, या तो ये है कि अगले 3 मैचेस में से 2 तो कम से कम जीते ही जीते, 2 तो जीतने ही पड़ेंगे इनको, नहीं तो फिर तो ये बाहर ही हो जाएंगे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं ना, प्रेशर में आ गए ये लोग, मुझे लगता है ये बाहर ही ना हो जाए, और लेकिन होना चाहिए इनको अंदर, क्योंकि अब इनके 3 मैचेस जो हैं वो घर पे हैं हैदराबाद में, देखते हैं क्या करते हैं। लखनऊ की बड़ी बुरी हालत हो गई, लखनऊ 11 मैच में 12 पॉइंट्स और इनकी ज्यादा ही नेगेटिव में चली गई ये नेट रन रेट, तो इनको तो एब्सोल्युटली अब मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और थोड़े अच्छे मार्जिन से भी जीतना जरूरी है, तो ये इसके प्रेशर में आ जाएंगे और इनकी भी थोड़ी पोल खुल रही है अब लखनऊ की। अब डीसी का बहुत दिनों से कोई मैच नहीं हुआ, लेकिन डीसी का कल मैच है राजस्थान रॉयल्स के साथ, अब देखिए डीसी क्या करती है। आखिरी में क्या होता है कि कई बार जैसे राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला मैच हारी
तो राजस्थान रॉयल्स के साथ ये ट्रैक रिकॉर्ड इनका ऐसा रहा है कि ये शुरुआत में बीच में अच्छा खेलते हैं और आखिरी में जाके गड़बड़ करने लगते हैं ये लोग। अब मुझे लगता है कहीं ये दिल्ली से ना हार जाए कहीं, हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि हारना, मतलब टीम देख के तो नहीं लगता है, लेकिन कोई भी टीम कभी भी प्रेशर में आके कुछ भी उल्टा सीधा कर सकती है और राजस्थान रॉयल्स का ये ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये कुछ कह नहीं सकते। मेरे हिसाब से तो कल का मैच 50-50 है और दिल्ली बहुत अच्छा खासा रेस्ट करके आ रही है, बहुत आराम से बिल्कुल फिट होंगे एकदम वो सारे के सारे। अब देखो क्या होता है, ये लोग एक तो ये मुकेश कुमार को ना खिलाएं कल ये, अगर दिल्ली को जीतना है ना मुकेश कुमार को टीम से दूर रखो बिल्कुल, और उसके बाद देखो आप कि क्या होता है। देखें कल वो मैकगर चलता है कि नहीं, वो ट्रेंट बोल्ट और ये लोग क्या करते हैं, उसको चलने देते हैं कि नहीं, या फिर ये है कि हमने तो यही बोला है कि भैया स्पिनर लगाओ उसके सामने आप, आज तक किसी टीम ने लगाए नहीं स्पिनर। मैं तो देखना चाहता हूं कि वो स्पिनर को आप लगा दो पहले ओवर में, देखते हैं क्या करता है, क्योंकि आपके पास वही चांस है, अदरवाइज वो जब एक बार वो मार देता है फिर वो मारता ही चला जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए इनको। फिर डीसी छठे नंबर पे, आरसीबी वो 7वें नंबर पे, पंजाब 8वें नंबर पे, मुंबई अब आ गई है 10वें से 9वें पे और गुजरात चली गई है नीचे। तो अभी अगर यही फाइनल सिचुएशन रही ना, ये फाइनल पोजीशन रही, तो कम से कम हार्दिक पांड्या को ये कहने को तो हो जाएगा कि देखा बेटा मैं गया ना तुम्हारी टीम छोड़ के, तो साले 10वें नंबर पे आए हो, भले मैं 9वें पे आ गए लेकिन तुम 10वें पे आए। तो देखा अब ऐसा ना हो कि हार्दिक पांड्या आप बार्गेन करने लगे उनसे कि बेटा तुम 10वें पे आए हो, मुझे वापस बुला लो 50 करोड़ रुपए दे के, तो मैं तुमको फिर से ऊपर ले जाता हूं वो भी कहेंगे कि साले तू ही कौन सा पहले नंबर पे आ गया, तू खुद हमसे 1 नंबर आ गए तो ये देखिए ये जो ट्रेड हुआ है ना हार्दिक पांड्या का, ये ट्रेड हुआ आरसीबी की वजह से, जो आरसीबी ने कैमरून ग्रीन को खरीदा मुंबई से। अब मुंबई को खरीदा, मुंबई से कैमरून ग्रीन जब खरीदा आरसीबी ने, तो मुंबई के पास पैसे आए तभी जाके वो हार्दिक पांड्या को खरीद पाए जीटी से। अब ये देखिए इस ट्रेड की वजह से जिस जो जो टीमें इन्वॉल्व हैं इसमें सब की पोजीशन देखिए क्या है देखा आपने कौन कौन सी टीमें इन्वॉल्व हैं इसमें, है गुजरात, मुंबई और आरसीबी। तो आरसीबी तो अभी अभी आपको तो पता है पिछले मैच के पहले तक ही आरसीबी खुद ही 9वें 10वें नंबर पे थी, अब जाके ये 7वें पे आए हैं, मुंबई है 9वें पे और गुजरात है जी 10वें पे। तो ये तीन टीमें इस ट्रेड में इन्वॉल्व थी और ये पोजीशन है इनकी। अगर ये ट्रेड नहीं हुआ होता, आरसीबी भले आदमी होने, तुमने अगर ये कैमरून ग्रीन को नहीं खरीदा होता, तो आज तुम लोग फिर भी अपनी पुरानी पोजीशन पे होते कम से कम, ये तो कह ही सकते ना हाइपोथेटिकली। अब बताइए आप, एक ट्रेड ने सबको बर्बाद करके रख दिया, वो नाना पाटेकर का डायलॉग आ रहा है ना, एक ट्रेड जो है वो तुमको ये बना सकता है, तो वही बन गए हैं सबके सब क्या यार, मतलब कौन सी घड़ी में ये दिमाग में आया होगा आरसीबी के कि हम मुंबई से बात करें कि कैमरून ग्रीन हमको दे दो, और उसके बाद फिर मुंबई की तो मतलब आंखों में बिल्कुल चमक आ गई कि अरे वाह हमको तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर मिल जाएगा, और सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर को ले लिया इन्होंने। कुल मिला के ये इस ट्रेड की वजह से बहुत सारे लोगों की अकलमंदी का लेवल पता चल गया कि तुम लोगों में कितनी अकल है, एज अ बिजनेस हाउस, एज अ स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी और एज इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स, सारे लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिए ना, और तीन टीमों को नाली में गिरा के रख दिया। अब इसमें बेचारे गुजरात वालों की तो कोई गलती नहीं है, गुजरात वालों को तो देखिए गुजरात वालों की इतनी बुरी हालत होती भी नहीं, अगर मोहम्मद शामी एटलीस्ट होता ना वहां, उनकी बॉलिंग बहुत ही ज्यादा वीक हो गई, बहुत ज्यादा वीक हो गई गुजरात की, तो मुझे इसी वजह से उनके साथ सिंपैथी है। और चूंकि फिर देखिए शुभमन गिल नया नया कैप्टन है, अभी उसको कप्तानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और जब फिर टीम भी परफॉर्म नहीं कर पाई तो फिर वो ऑब्वियसली उसका ऑब्वियस है प्रेशर में आना, तो बैटिंग भी अफेक्ट हुई, और वो जो बैटिंग उसकी अफेक्ट हुई उससे सबसे बड़ा पर्सनल नुकसान उसको ये हुआ कि वर्ल्ड कप की मेन टीम में नहीं आ पाया वो बैटिंग में अगर अभी बनाता 700-800 रन तो वो बिल्कुल वर्ल्ड कप की मेन टीम में होता, लेकिन नहीं हो पाया, तो अब ये सब वो आरसीबी, कैमरून ग्रीन, हार्दिक पांड्या, इन सब के चक्करों में
बहुत सारे लोग अफेक्ट हो गए, बहुत सारे लोग एक्सपोज हो गए। तो अब देखिए एक छोटे से डिसीजन से पूरी दुनिया कैसे पलट जाती है, इसका बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है ये आईपीएल और इसके पहले की जो एक्टिविटीज हुई है वो। तो ये बड़ी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है लाइफ में, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती है। तो चलिए ये सब तो हो गया, कल अब दिल्ली और राजस्थान के मैच में मुझे लगता है कि 50-50 मामला है, क्योंकि दिल्ली भी स्ट्रांगली आएगी और वहां पे मुझे यही लगता है कि बाद में जो बैटिंग करेगी उस टीम का कुछ पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि स्पिनर्स दोनों की टीमों में देखिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स है। चहल और अश्विन इधर है, उधर कुलदीप और अक्षर है। बैटिंग अगर चल गई तो दिल्ली भी ठीक ठाक कर लेती है, लेकिन दिल्ली बैटिंग में थोड़ी गड़बड़ कर रही है, बैटिंग ऑर्डर में खासतौर पर। तो वो अगर उन्होंने सुधारा और बाद में बैटिंग की तो ये लोग कुछ कर सकते हैं, और राजस्थान रॉयल्स तभी हारेगी जब ये मैकगर्ग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर मैकगर्ग ने वहां से उल्टे सीधे रन बना दिए ना तो राजस्थान रॉयल्स को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि दिल्ली की भी बॉलिंग कोई इतनी ज्यादा खराब नहीं है, स्पिनर्स उनके भी लपेट के रख सकते हैं। दिल्ली में ड्यू मुझे नहीं लगता कि गिरेगी, दिल्ली में ड्यू शायद गिरती भी नहीं है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा फेयर गेम ही हो सकता है। तो चलिए आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और आप लोग बताइए कि आज के मैच के बारे में आप लोगों के क्या व्यूज हैं, और कल के मैच में आपको क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, राजस्थान या दिल्ली। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर कमेंट्स एंड आई थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग योर कमेंट्स। और गौरव चतुर्वेदी और सौरव प्रकाश ने कुछ अपने क्वेश्चंस भेजे थे, और भी कुछ लोगों ने क्वेश्चंस भेजे हैं, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इस वजह से मुझे लगता है अब वो मैं सेपरेट सेशन करूंगा और उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स का ही जवाब और डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो लेट मी फाइंड आउट सम टाइम, तो उसके बाद करेंगे हम लोग एंड आई विल इन्फॉर्म यू। तो आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू टुमारो आफ्टर द मैच। आई एम विकास सक्सेना द बायस्ड एनालिस्ट, थैंक यू सो मच।